तो आज की शुरुआत आपसे ही सवालों के साथ, कुल जमा 4 से 5 सवाल हैं जो आपको सोचने चाहिए। क्या आज भी आप या कोई और सैनिटरी पैड को अखबारी पन्ने या काली पन्नी में लपेटकर ही दुकान से लाता है? क्या आज भी महामारी जैसे मामले पर चौक चौराहे, घर परिवार, आंगन, दालान, ड्राइंग रूम में आप चर्चा कर पाते हैं? क्या आज भी सेक्स शब्द सुनते ही दिल चौड़ा और दिमाग सिकुड़ा हुआ महसूस करते हैं आप? क्या शादी सेक्स का लाइसेंस है? ऐसे विषयों पर सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन पाते हैं आप? और एक और, क्या आज भी देश के ज्यादातर स्कूलों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा चैप्टर आते ही बैक बेंचर लड़के खीखी करके हंसने लग जाते हैं? तो आज आपको हमें पूरा देखना और सुनना चाहिए। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जो गूगल की दुनिया में पॉर्न सर्च करने के मामले में टॉप 10 है, लेकिन सार्वजनिक दुनिया में भ्रमित संस्कारों का लबादा ओढ़े रहता है। आखिर इतना सब सुनने कहने की नौबत आई क्यों? क्योंकि ग्वालियर हाईकोर्ट के सामने एक मामला पहुंचा रेप का। अदालत ने कहा कि केंद्र को चाहिए सहमति से सेक्स की आयु सीमा घटाई जाए, क्योंकि तेज रफ्तार नेट की दुनिया में बच्चे 14 साल में जवान हो रहे हैं। बस फिर से ये बहस बाहर निकली जिससे बचते हैं हम सब। इसके अलावा देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 के प्राइड ऑफ पीरियड्स में ऐसे ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो एक समाज के तौर पर आपको चिंता में डाल देंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ग्वालियर हाईकोर्ट पहला है या इससे आगे अदालतों से नहीं आएगा। मेघालय हाईकोर्ट इस मामले में एक फैसला दे चुका है, दिल्ली की एक अदालत इस मामले में फैसला दे चुकी है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने तो बकाया विधि आयोग को लिखा कि ये याचिका हम खारिज कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मसला है, हो सकता है उतना बड़ा मसला ना हो, कभी कभी कोई मजहब संकट में आ जाता है, उतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके घर के लिहाज से यही सबसे जरूरी बात है, बच्चे के लिहाज से यही सबसे जरूरी बात है। चलिए शुरू करते हैं, सहमति से सेक्स के लिए क्या उम्र की सीमा हो? ग्वालियर हाईकोर्ट के सामने यह मामला आया, एक कोचिंग संचालक पर आरोप लगा है रेप का। पीड़िता के परिजनों ने पॉक्सो का मामला लगवाया। अदालत में मामला पहुंचने के बाद जब सबूत पेश करने की बारी आई तो जो संचालक है उसने कई सबूत ऐसे दिए जिसमें लगता है कि आपसी सहमति का मामला है। अदालत पेंच में फंस गई। ग्वालियर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 से घटाकर 16 करने का अनुरोध किया है। इस पर कानून के जानकार क्या कहते हैं पहले वो सुन लीजिए। दंड संहिता में धारा 375 में पूर्व में यह प्रावधान था कि 16 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला है वह किसी से संबंध बनाती है, सहमति से बनाती है, तो कोई अपराध नहीं था। किंतु 2013 में अमेंडमेंट करके यह आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये बात कही गई है कि आजकल इंटरनेट के ज़माने में 14 साल के बच्चे भी इतने ज़्यादा जानकारी रखते हैं, इतने मेच्योरमेंट शारीरिक और मानसिक रूप से इतने मेच्योर हो रहे हैं, उस संबंध में उनके द्वारा FIR खारिज की गई है। फैक्ट ये थे कि ठाटीपुर थाने में 17/7/2020 को एक FIR 15 वर्षीय लड़की द्वारा लिखाई गई थी कि उसके कोचिंग पढ़ने जाती थी वहाँ टीचर के द्वारा उसको जूस पिलाकर रिलेशन बनाए गए। इसने एक अपने एक रिश्तेदार और था उसके विरुद्ध भी इसी तरह का आरोप लगाया था। उसके जुबेनाइल होने से उसका मामला जुबेनाइल में चल रहा था, ये मामला सेशन वर्तमान में 2 फैसन ट्रायल दोनों मुलजिमों के विरुद्ध विचाराधीन चल रही थी। 2020 से राहुल जेल में था और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी उम्र देखते हुए, लड़की की मानसिक विकसित परिस्थिति को देखते हुए, प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए FIR और जो नीचे विचारण का केस चल रहा था उसको निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट का अभी हाल ही में एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 18 साल से जो उम्र है वो घटा के 16 साल कर देनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये डिसीजन बिल्कुल सही रहेगा अगर होता है तो, क्योंकि 16 साल की उम्र तक लड़की इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो अपना सही और गलत समझ सकती है। ऐसे में अगर लड़की और लड़के का सहमति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रहा है या उनकी जैसी भी रिलेशनशिप चल रही है और कुछ दिनों के बाद अगर उनका किसी भी वजह को लेकर उनकी दूरियां बन जाती हैं रिलेशनशिप में, तो अगर लड़की FIR दर्ज करवा रही है लड़के के खिलाफ और लड़के को ही कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, कोर्ट के जो
तारीखें बढ़ती हैं उसका सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ये चीज मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है कि अगर सहमति के साथ रिलेशनशिप चल रहा था तो आखिरकार ऐसा क्यों होना चाहिए कि लड़के को ही उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये चीज बिल्कुल ठीक है कि कोर्ट को ये डिसीजन ले लेना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि जो फिजिकल रिलेशनशिप की उम्र है वो 18 से घटाकर 16 कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो लड़कियां होती हैं काफी कम उम्र में 14 से 15 साल की उम्र में भी मैच्योर हो जाती हैं और उसके बाद लगातार रिलेशनशिप में रहती हैं, और देखा जाता है कि जब 18 क्रॉस कर जाती हैं, 18 से पहले 17 नाबालिग होती हैं, और उस वक्त जब लड़के पे FIR कराई जाती है तो लड़के का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। कई बार ऐसे केस भी देखे गए हैं, अभी हाल ही में डबरा में भी एक केस हुआ जिसमें सहमति से सब कुछ हुआ और उसके बाद उस लड़के ने जेल में ही सुसाइड कर ली। तो इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो ये जो हाईकोर्ट ने कहा है उससे मैं कानून के जानकारों को आपने देख लिया, लोगों की क्या राय है वो आपने देख लिया, और लगातार ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी ग्राफिक्स पढ़ देता हूं, लेकिन ये ग्राफिक्स लगातार चलते रहेंगे। स्पेन, जापान, अर्जेंटीना 13 साल, ब्राजील, चीन, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल 14 साल, फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड, स्वीडन, थाईलैंड 15 साल, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, इजराइल 16 साल, ज्यादातर जो अमेरिकी राज्य हैं 16 साल क्योंकि वो USA है, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया 17 साल, तुर्की, मिस्र और कुछ अमेरिकी राज्यों में 18 साल। विरोधाभास हर जगह है पर वो साफ है। सहमति, सेक्स, बयान और बदलाव, ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? बयान जानिए, कैसे फर्क आया वो जानिए। ग्वालियर हाईकोर्ट के दौरान यह तथ्य आया, जज बोले कि केंद्र सहमति से सेक्स की उम्र पर विचार करना चाहिए केंद्र को। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस तरह के मामले में विधि आयोग तक को पत्र लिख दिया। अलग अलग अदालतों की टिप्पणी है, पॉक्सो ने सहमति से सेक्स का पेज बढ़ा दिया है, कई मामले अदालत में उलझे हैं, पॉक्सो को खारिज करना पड़ा है, कानूनों में जबरदस्त विरोधाभास है, 16 साल की किशोरी सेक्स के बारे में सोच समझकर फैसला लेने में सक्षम है, कौन कह रहा है? मेघालय हाईकोर्ट कह रहा है। DY चंद्रचूड़ सिंह, उनके सामने मामला गया, उन्होंने कहा कि बहुत संवेदी मुद्दा है, गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रीनू यादव, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं, आपने उन्हें देखा है। मनोज उपाध्याय साहब कानून के जानकार हैं, उन्हें अभी आपने सुना। डॉक्टर यादव, लेकिन पहला सवाल आपसे बनता है, समाज को सीधे भाप लेती हैं आप ग्लैमर से लेकर और सोशल चेंजेस तक को बहुत करीब से देख रही हैं, इस वजह से सवाल मेरा ये, 16 या 18 या छोड़ दिया जाए या कोई बीच का रास्ता? डॉक्टर यादव जी, मुझे लगता है ये कोई पहली बार इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, मुद्दा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसे बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत, और इंडिया में तो और गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें उसके कंपैरिजन में इंडिया में हमारी कहीं ना कहीं सोशल कल्चरल जो रूट्स है वो ज्यादा ही डीप रूटेड है। तो मुझे लगता है इंडिया में तो जरूरी ही है। जैसा कि अभी आपने पॉक्सो एक्ट 2012 का आपने हवाला दिया था, उसमें 18 साल दिया गया है एज लिमिट फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। इसके पहले भी जब ITC 1860 की अब मैं बात करूं तो उसमें इनिशियली 10 साल की एज सिर्फ लड़कियों के लिए रिस्ट्रिक्शन है, 10 साल की एज, फिर उसको 1891 में बढ़ा के 12 कर दी गई, फिर 1925 में बढ़ा के 15 कर दी गई, फिर 1940 में उसको बढ़ा के 16 कर दी गई, और फाइनली जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद पॉक्सो एक्ट के द्वारा उसको फिर से 18 साल कर दी गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसकी इमोशनल तह तक जाऊँ, अगर मैं उस प्रेमी युगल को देखूँ, तो एक रिसर्च कहती है कि जब बच्चा एडोलसेंस में होता है तो वो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे बहुत अच्छा फेज होता है, और उस वक्त मैं ये बोलूँ कि वो सबसे स्ट्राइकिंग या नेचुरल रोमांटिक फिनोमिना आना एक बहुत ही ज्यादा नेचुरल फिनोमिना है जो कि जिस एज से हर बच्चा क्रॉस करता है। तो एक लड़के या लड़की का पार्टनर के साथ बहुत हेल्दी रिलेशनशिप या कहूँ बहुत जी, ठीक ठीक आपने जो एक बात बोली, मैं आपको इस वजह से यहां रुकना चाह रहा हूं। भाई ये भारत और दुनिया की बात आ क्यों रही है? दर्शक एक बात जान लें, एक टर्म होता है स्टेल्थिंग, क्या आपने कभी सुना होगा? दुनिया में सोशल मीडिया के बाद स्टेल्थिंग पर चर्चा चल रही है, अपने पार्टनर को बताए बिना कॉन्डोम निकाल लेने को कई देशों ने रेप करार दिया है। हम कहां उलझे? हम पिंक में डायलॉग सुन रहे हैं, नो मींस नो। मनु जी, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, आप वकील हैं, मामले सीधे आपके पास आते हैं, इससे इस कानूनों में भी बड़ा विरोधाभास है, कैसे आप इसे देखते हैं और कैसे इसे निपटना चाहिए? ग्वालियर में जज साहब ने जो कहा
उसे भी मैं चाहूंगा कि आप अपने आंसर में इंक्लूड करें। सर जी, पहले से मैं ये बताना चाहूंगा कि जज साहब ने जो निर्णय दिया है ये निर्णय उन्होंने पुराने अनुभवों के आधार पर भी दिया है, लेकिन ये लॉ की स्थिति भी यही थी। हमारा जो कानून 1860 में आईपीसी का बना था, 1860 से लेकर 2013 तक 16 साल की उम्र के आधार पर ही जजमेंट होते रहे हैं, अर्थात 16 साल से ऊपर की आयु की यदि कोई बालिका है तो अपनी सहमति सेक्स के लिए दे सकती है, इसी आधार पर ये निर्णय होते रहे। 2013 में जब निर्भया कांड हुआ था उस समय सरकार इतने अधिक दबाव में आई या उस एक केस की वजह से कई अन्य चीज़ें भी परिवर्तित की गई, उनमें से एक ये स्थिति भी थी। आप देखिए, अपने अनुभव की बात कही, मेरे पास ऐसे केस आए जिसमें लड़की 16 से 17 साल की थी, कोर्ट में आती है, कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट देती है, मैं अपनी सहमति से गई हूँ, उसने मेरे साथ कोई सहमति के बिना काम नहीं किया, सहमति से संबंध बनाए, किंतु उसका भी ट्रायल चला, उसका भी कोर्ट को फैसला करना पड़ा और उसमें भी सजा पड़ती है क्योंकि उसकी माता पिता की सहमति नहीं होती, यद्यपि लड़की की सहमति थी उस केस में। तो 16 साल की व्यक्ति लड़की जो अपने घर से अपने माता पिता को बताए बिना जा रही है, शहर में शादी की कह रही है, तैयार नहीं हो रहे और अपनी सहमति से घूमने चले जाती है, तो इस ग्राउंड पे उस पर केस दर्ज हो जाता है और उसको बेल मिलना बहुत मुश्किल होती है, लगभग 3 महीने से 6 महीने साल भर 2-2 साल तक लोगों को जेल में रहना पड़ता है। तो जहाँ लड़की स्वयं सहमति दे रही है और स्वयं साथ जा रही है, ऐसी स्थिति में भी केस को ख़त्म नहीं किया जा रहा था, उनमें भी ट्रायल किए जा रहे थे, उसमें भी बेलें नहीं मिल रही थी। तो जज साहब का जो इस मामले में उनका कहना यह था कि एक लड़की जो 16 साल से अधिक की है, 18 साल के बीच की है, यदि उसने सहमति दी है तो ऐसी स्थिति में कोई केस नहीं बनना चाहिए। आजकल दो केस लगते हैं, एक 375 में रेप का केस, दूसरा पॉस्को एक्ट में भी, उसमें भी 18 साल से कम की है तो बालिका मानी जाती है। तो दो दो केसों में, दो दो लॉ में प्रोसिक्यूशन फेस करना होता है और उसमें तो गंभीर प्रावधान है, उसमें तो जमानत के प्रावधान नहीं है, बहुत फास्ट ट्रायल चलती है, लेकिन उन सबको देखते हुए चूंकि जजमेंट बहुत अच्छा है। एक मेरा सवाल, क्या होता है जब किसी राज्य का हाईकोर्ट किसी मामले में फैसला देता है? एक मेघालय हाई कोर्ट है, एक दिल्ली कोर्ट है, मैं नहीं जानता दिल्ली कोर्ट वो हाई कोर्ट का फैसला या नहीं, उसे मैं हटा देता हूं लिस्ट से, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला, पॉक्सो का मामला खारिज किया गया वहां पर भी, और एक मद्रास का मामला सामने आता है, वहां पर भी पॉक्सो के मामले को हटाया गया, तो हाईकोर्ट तो पॉक्सो को खारिज कर रहा है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि सारी बॉडीज को मिलकर काम करना है अभी? कि हाईकोर्ट को 482 में विशेषाधिकार प्राप्त हैं, यदि कोई विचारण चल रहा है और न्यायालय को लगता है कि इस मामले को चलाए जाना न्याय हित में नहीं है या सामने वाले के अहित में है, तो ऐसी स्थिति में 482 में जो विशेष अधिकार प्राप्त है हाईकोर्ट को, उस शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय दिया गया है। इन जज साहब ने न केवल निर्णय दिया बल्कि उस निर्णय के आगे बढ़ते हुए संबंधित मंत्रालय को पत्र भी लिखा है, केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है कि इस संबंध में उम्र पर पुनर्विचार होना चाहिए था, जो कि एक सार्थक उनके अपने अनुभव के आधार पर भी लिखा है, कानून के आधार पर भी जजमेंट लिखा है, इसलिए बहुत अच्छा स्वागत योग्य निर्णय है ये। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर रेणु यादव लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अब मेरा सवाल आपसे ये डॉक्टर यादव कि इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसमें हम किशोरियों को या बच्चों को एक तरफ हम फ्री करना चाह रहे हैं, उन पर छोड़ना चाह रहे हैं, इसका दूसरा पहलू ह्यूमन ट्रैफिकिंग या गर्ल ट्रैफिकिंग या देह व्यापार के मामले। पुलिस के पास कोई मीटर तो है नहीं, जितना काम करना चाहिए उतना वो कर नहीं पाती, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तब तो पुलिस लापता बच्चियों को ढूंढ कर लेकर आती है। अब वो तत्काल पता करे कैसे कि इस लड़की की उम्र है क्या? अगर 16 का मामला आ गया, 16 साल का मामला आ गया तो इस तरह के मामले बढ़ेंगे, ट्रैफिकिंग वाले जो लोग हैं वो इसका नाजायज फायदा उठाएंगे, और बाल विवाह वो हमारे माथे पे वैसे ही रखा हुआ है किसी दाग की तरह। डॉक्टर यादव जी, जी मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत एक संवेदनशील मामला है, ये सिर्फ एक एक्ट या सेक्सुअल कंसेंट या एक दूसरे के कंसेंट के साथ सेक्स करने का मामला नहीं है, बल्कि इससे कई चीजें इंटरलिंक होती है, इससे कई कुरीतियां हो सकता है फिर से जन्म ले लें। लेकिन जैसे आपने चाइल्ड ट्रैफिकिंग या गर्ल ट्रैफिकिंग की बात करी या आपने चाइल्ड मैरिज वापस आ जाए उसकी भी बात करी, तो इस तरीके की कुरीतियां इससे एसोसिएटेड हो सकती हैं। लेकिन अगर हम इसका वाइड एंगल देखें तो ये कुरीतियां तो चाहे एक्ट रहे, कोई एज फिक्स रहे या ना रहे, ये कुरीतियां तो ये मार्के की बात आपने कर दी है।
डॉक्टर यादव, मैं अभी सुन रहा था किसी को, मैं बहुत शॉर्ट में, चूंकि वक्त मेरे पास कम बचा है और आप दोनों से मुझे रिएक्शन चाहिए और बहुत शॉर्ट में। डॉक्टर यादव, पहले आपसे, क्यों ना हम बच्चों को ये पढ़ा दें नौवीं के बाद से कि भैया ये होता है इस तरह के रिश्ते रखने से, इस तरह का कानून है। बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि उन पर कानून लग गया, धाराएं लग गई, जेल जाएंगे वो जो प्रेम कर रहे हैं आपस में। डॉक्टर यादव, पहले आप। जी बिल्कुल, सेक्सुअल एजुकेशन तो आई थिंक सिलेबस में इंक्लूड हो ही गया है, बच्चियों को पीरियड से लेकर सेक्सुअल सारी चीजें पढ़ाई नहीं जा रही है, उसके साथ उसे रिलेटेड पढ़ाई जानी चाहिए। बात से पूरी तरीके से सहमत। हाँ हाँ, वकील साहब, आपसे भी मेरा ये सवाल, क्या सेक्स एजुकेशन पर सार्थक सब्जेक्चुअल बहस एक इसका सॉल्यूशन हो सकती है? सर, बहुत शॉर्ट में प्लीज। नहीं जी, जरूर जरूर। मेरा तो कहना यह है कि 16 साल से या किसी 12 साल की उम्र से हमें बताना तो चाहिए कि सेक्स रिलेशन शादी के बाद ही करना चाहिए। इस बात को हर किसी व्यक्ति को बताना चाहिए। किसी लड़के से आपकी दोस्ती है या लड़के किसी लड़की से दोस्ती, हाँ, तो सेक्स रिलेशन नहीं बनानी चाहिए, ये गलत है, ये बात समझाना चाहिए। हाँ, ये शादी, और हमें यह प्रयास करना चाहिए अब आपकी शादी हो उसके बाद आप रिलेशन करें। ये हर माता पिता कोशिश ये करते हैं, किंतु सोसाइटी में थोड़ा खुलापन आने से, इंटरनेट में कंटेंट उत्पन्न होने से जो एक आकर्षण होता है विपरीत सेक्स के प्रति, उसकी वजह से ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो इसमें हर किसी को जागरूक होने की जरूरत है। उनकी मर्यादाएं दोस्त के साथ कितनी होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड की गर्ल के साथ, गर्ल की बॉयफ्रेंड, इस पे हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। इसमें सोसाइटी का सहयोग नहीं हो रहा, किसी दूसरे की बच्ची यदि हमें दिखाई देती है तो हम उसको टोकने में, रोकने में या करने में संकोच करते हैं। मैंने इसी वजह से शुरुआत में कह दिया था कि हम उन मामलों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर दरअसल अभी चर्चा की जरूरत नहीं है, और उन मामलों को अपने अपने संस्कारों के पीछे यहां पर छुपा के रखा हुआ है, जैसे बैकड्रॉप चल रहा है, ऐसे मामलों को हमने संस्कारों की आड़ में छिपा कर रखा है जो दरअसल किसी भी घर में ब्लास्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, अच्छी अच्छी चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई। अब जरा इस मसले को लेकर भोपाली क्या कह रहा है, सुन लीजिए। नहीं, रॉन्ग है ना, बिकॉज क्योंकि या तो वो अपने करियर पर ध्यान देगा और या फिर अपने अपने जो मैरिड लाइफ है या फिर रिलेशन है उसके अंदर ध्यान देगा, वो दोनों से एक पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। और अगर आपने अगर उसको कम करने की आपने कोशिश करी तो ऐसा रहेगा कि मतलब पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएंगे वो लोग। अभी वैसे ही तो पेरेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं आज के समय में, 11 साल हुए नहीं है कि मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे वो चाहिए चाहिए, ये उनको लग ही रहा है। और अगर आपने 16 साल और कर दिया तो उनको तो पूरी छूट मिल जाएगी। जो हाई कोर्ट कह रही है कि सहमति से संबंध बनाने की जो उम्र है वो 16 कर देनी चाहिए, 18 से घटाकर, तो आप इससे सहमत है? अगर नहीं है तो क्यों? नहीं, ऐसा गलत है, क्योंकि मतलब पढ़ाई में भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, और मतलब कभी रिलेशनशिप में आए तो फिर पढ़ाई में कम ध्यान जाता और इधर फिर लड़कियों को फिर घुमाने। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो ये कि 16 साल की उम्र में बच्चे में क्या ही मैच्योरिटी आ जाएगी, पढ़ने की उम्र में ये सब करने लग गए तो फिर मतलब अभी तो सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए 18-20। आजकल तो मेरा मानना है कि तो 25-26 के पहले भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं हो पाता है। और एजुकेशन के मामले में इतना दूर चला जा रहा है इंडिया कि मतलब सब अचीवमेंट्स के करने की जगह में कहाँ वो सब करोगे आप लोग। जनरली ये उम्र में हमें करियर बनाना होता है, पढ़ाई पे ध्यान देना होता है, हमें क्या बनना है ये डिसाइड करना होता है। और इस एज में हम अगर रिलेशनशिप बिल्डअप के बारे में सोचेंगे तो करियर पूरा हट जाएगा, मतलब करियर के हिसाब से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम जाएगी, कुछ भी बन नहीं पाएंगे हम। बहुत अच्छी बात, सबकी राय हमने रखी। इन सब के बीच इस तथ्य का ध्यान रखें कि माहवारी का जो औसत उम्र है वो घटकर 10 से 12 साल पहुंच गई है, इसीलिए खुलकर बात होनी चाहिए, संस्कारों का लबादा ओढ़कर नहीं। नमस्कार।